Welcome students, this video is for those students who are going to appear in their NEP examination in June 2023, that is UG SEM 1 of Jamshedpur Women's University. So how you have to fill your OMR sheet using your admit card, everything will be discussed in this video. तो नमस्कार बच्चों, ये वीडियो इसलिए बनाया गया है ताकि आप OMR sheet details कैसे भरना है ये admit card से इसको आप अच्छी तरह से जान ले समझ ले। एनईपी एग्ज़ाम जो बच्चे दे रहे हैं इस बार सेमेस्टर 1 यूजी में, उनके लिए वीडियो बनाया गया है। तो सबसे पहले व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, यू मस्ट ब्रिंग पेंसिल इरेजर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, एडमिट कार्ड। ब्लैक पेन फ्रंट पेज ओएमआर पेज को भरने के लिए और ब्लू पेन से बाकी आपके आंसर्स लिखने के लिए। एडमिट कार्ड इज़ मस्ट, विदाउट दिस यू वॉन्ट बी एबल टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। तो एडमिट कार्ड ज़रूर लाना है आप लोगों को। एडमिट कार्ड आप लोगों को डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में दिखाकर फिर एंट्री लेनी है। दिस इज़ द सैम्पल ऑफ ओ एम आर शीट। जो पहला आपका शीट रहता है वो इस तरह से दो भागों में बटा हुआ रहता है। इसमें से जो राइट साइड है ये आपको पूरा फिल करना है और जो लेफ्ट साइड है उसको आपको फिल नहीं करना है। लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट में आप देख सकते हैं एक छोटी सी जगह रहती है जहाँ सब्जेक्ट, सेमेस्टर, डेट और भी कुछ डिटेल्स रहते हैं जो कि आपको फिल करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ कहीं भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। पूरा जो डिटेल्स आपको अपने भरने हैं दैट इज़ टू बी फिल्ड इन द राइट साइड ओनली। ठीक है, तो जो राइट हाफ है उसको बस आपको भरना है। नेक्स्ट, पहले आप जो आपको जो भी कॉलम्स मिलेंगे उसमें आप पेंसिल या पेन से भर ले और जो सर्कल्स हैं वो सर्कल्स जो हैं पहले कोशिश कीजिए कि आप पेंसिल से भरें और उसके बाद पेन का इस्तेमाल करें ताकि कम से कम गलतियाँ हों। Just to avoid the mistakes, you must use pencils to fill the circles and then you can switch on to your black pen. This is the sample of your admit card. In admit card you have, आपके पास है यहाँ faculty, registration number, answer IDR number, subject, exam roll, batch, student's name, mother's name, father's name, date of birth, session, semester, that is one, center, Jamshedpur वुमेंस यूनिवर्सिटी बिष्टुपुर कैंपस। तो ये सारे एग्ज़ाम्स आपके बिष्टुपुर कैंपस में ही होंगे। नेक्स्ट जो डिटेल्स हैं वो है पेपर, पेपर कोड, पेपर नेम, एग्ज़ाम डेट, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एडमिट कार्ड से आपको अपने ओएमआर शीट में भरने के लिए। तो ओएमआर शीट में आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या डिटेल्स आपको डालने हैं वो सारे हैं। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ईयर, सब्जेक्ट, पेपर नेम, पेपर नंबर दैट इज़ योर पेपर कोड, नेम ऑफ द स्टूडेंट दैट इज़ योर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, रोल नंबर। नेक्स्ट सेमेस्टर, एडिशनल कॉपी नंबर, एग्जामिनेशन डेट, सब्जेक्ट कोड, आंसर आईडीआर नंबर, सिटिंग, सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर एंड सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी दैट इज़ योर सिग्नेचर, ये आपका सिग्नेचर होगा। एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि यू शुड नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ करेक्टर्स और वाइटनर्स ऑन द ओएमआर शीट। तो ओएमआर शीट में किसी भी तरह का जो पहला शीट है, जो पहला पेज होगा आपके आंसर शीट का ओएमआर शीट, उसमें किसी भी तरह का वाइटनर या करेक्टर यूज़ नहीं करना है वरना आपका जो आंसर शीट है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसके लिए अगर कोई भी आपसे मिस्टेक हो गई है वाइल फिलिंग तो आप किसी भी इन्विजिलेटर को अपनी जगह पर बुला सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उसको सुधार दे। कॉपी ज़्यादातर चेंज नहीं होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो ही होगी। माइनर चेंजेस में, माइनर मिस्टेक्स में किसी भी तरह की कॉपी जो है वो बदली नहीं जाएगी। नाउ यू हैव टू गिव फैकल्टी नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपका फैकल्टी है, साइंस है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है,
ये सारी चीज़ आपको लिखनी है। अलॉन्ग विद दैट आपको अपना सब्जेक्ट भी मेंशन करना है। ईयर जो है वो 2023 है। नेक्स्ट पेपर नेम, जैसा कि आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ रहेगा एग्जैक्टली सेम आपको वही लिखना है। अगर वो टू लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स आपके वो कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में आप उस पूरे पेपर का नाम वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग को इस तरह से लिखा गया है। तो आपके एडमिट कार्ड में ही आपको पेपर, पेपर कोड, पेपर नेम, एग्ज़ाम डेट सारे डिटेल्स मिल जाएंगे और आप वहीं से अपने सारे डिटेल्स OMR शीट में भर सकते हैं। पेपर कोड भी जैसा कि यहाँ दिया गया है आप यूज़ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, सभी बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो JW 2020 से स्टार्ट होता है और उसके बाद अलग अलग डिजिट्स आते हैं आपके अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के। रजिस्ट्रेशन ईयर इस साल के लिए सभी का 2022 होगा। जितने भी बच्चे अभी 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं सबका रजिस्ट्रेशन ईयर 2022 है। रोल नंबर आपका और आंसर IDR नंबर सेम ही है, आपका सेमेस्टर वन है। तो यू कैन सी कि यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर सबका JWU 2022 से स्टार्ट होगा और उसके बाद आपके अपने अपने नंबर्स यहाँ पर आएंगे और ये यहाँ इस जगह पर आपका एग्ज़ाम रोल नंबर मेंशन्ड होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डिटेल्स अच्छी तरह से यहाँ से देख लेंगे और 2022 के बाद जो भी आपके डिजिट्स हैं वो अच्छी तरह से आप फील करेंगे। रजिस्ट्रेशन ईयर में ये 2022 होगा। सेमेस्टर आपका वन है और एडिशनल कॉपी आपने जितने भी कॉपीज़ ली होंगी उसके हिसाब से आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन आपके एग्ज़ाम एडमिट कार्ड में ही वहाँ पर मेंशन होगा, आप उसे भी देख के उस दिन का डेट वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आंसर IDR नंबर एंड योर रोल नंबर आर सेम। यू कैन सी आंसर IDR नंबर यहाँ जो रहेगा और रोल नंबर जो आपका रहेगा दोनों सेम ही रहेगा। इनको ध्यान से देखकर आपको भरना है। सिटिंग में, जिस भी सिटिंग में सुबह या सेकेंड हाफ में जो भी आपका सिटिंग है उसके अकॉर्डिंगली आपको वन या टू लिखना होगा, उसको फिल करना होगा। सिग्नेचर में एक सिग्नेचर इन्विजिलेटर का होगा जिसमें आपको नहीं करना है और दूसरा सिग्नेचर एग्जामिनी का होगा जिसमें आपको अपना साइन करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ राइट हैंड साइड में आपके सिग्नेचर के लिए स्पेस होगा और लेफ्ट हैंड साइड में इन्विजिलेटर के लिए सिग्नेचर का स्पेस होगा। सो आई थिंक ये जो डिटेल्स हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और आप अपने OMR शीट को अच्छी तरह से भर पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।